नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार की ओर से किए गए बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे। जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित डिविजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि नूह हिंसा के बाद 57.5 एकड़ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से चलाया गया। सरकार की तरफ से आज इस मामले में जवाब दाखिल किया जा सकता है। एडिशनल एजी दीपक सबरवाल बीती 11 अगस्त को हुई कार्रवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि नूह में बुलडोजर की कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। नूह और गुरुग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई सरकार आगे भी जारी रखेगी, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नूह हिंसा से संबंधित अधिकारियों से हलफनामा भी मांगा। उनसे पूछा गया कि नूह हिंसा के 2 हफ्ते बाद गुरुग्राम और मेवात में कितनी इमारतें तोड़ी गई। उनसे ये भी पूछा गया कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दिया गया था या नहीं। 31 जुलाई को नूह हिंसा के बाद नूह और गुरुग्राम क्षेत्र में सरकार की ओर से 57 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बुलडोजर चलाया गया था। सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का दावा किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा था। 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद नूह सोहना गुरुग्राम में झड़प की घटनाएं सामने आई थी। इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। मरने वालों में 2 होमगार्ड जवान, 1 मौलवी सहित 6 लोग शामिल थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।